हेलो गाइस, मैं सुमित अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे प्रेस कमाल ब्लॉग में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो ये इंफॉर्मेशन है जियो ऐसी चीज लॉन्च करने जा रही है सबके लिए प्रॉफिटेबल, चाहे वो 2G वाला हो, 4G वाला हो, कोई भी बंदा हो, सबके लिए प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि अगर आप जियो यूज़ करते हैं, देखा जाए कि 4G में नेटवर्क अच्छे आते हैं, मगर आप जो मुकेश अंबानी जी जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि अब आने वाले समय में 5G लॉन्च होगा, यानी कि 5G लॉन्च होने के बाद उनका कहने का मतलब है कोई भी अब 2G फोन नहीं, सबको 4G 5G ही मिलेगा। तो यानी कि 5G लॉन्च होने से ये पता चलता है कि अब इंडिया में 5G नेटवर्क भी अच्छे से चलेगा। अगर उनका कहना ये भी है, अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा रहा तो वो कोई जरूर अपने दूसरे देशों में भी 5G मतलब बिजनेस अपना करेंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि सब जगह उनका विस्तार करना है। तो यानी कि मुकेश अंबानी जी ने कह दिया है कि अब अपने देश में 5G भी बहुत जल्द ही लॉन्च होगा और साथ में सभी लोगों के पास सबके पास नेटवर्क होगा, क्योंकि 4G लॉन्च होने के बाद आप सब लोग जानते हैं कई सालों से 4G लॉन्च है और देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में 4G लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया बहुत पहले से ही। और हर एक जगह जहाँ पे नेटवर्क नहीं था वहाँ पे भी लोग आज इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, केवल किसके लिए, केवल जियो के उससे आज सब लोग नेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि अगर 5G लॉन्च होगा तो लोग 5G भी अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। और इसमें 5G लॉन्च होने से एक फायदा ये हो गया कि लोग जो गेमिंग चैनल बनाए हुए हैं या जो गेम खेलते हैं, जो गेम का शौक रखते हैं, वीडियो गेम का शौक रखते हैं, उनके लिए तो और प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि स्पीड भी अच्छी 5G में मिलेगी तो उन लोगों को वीडियो गेम खेलने में बड़ा आसानी होगा। तो यानी कि अगर देखा जाए इस वीडियो माध्यम से आपको यही बताएंगे कि मतलब 5G के लॉन्च होने से लोगों में एक सबसे उत्साह भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 5G अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया। यानी कि देखा जाए 5G लॉन्च होने से वीडियो गेम वाले भी एक अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को वीडियो गेम यूट्यूब चैनल बनाना, मगर वहाँ पे जैसे हम जैसे कोई गांव के क्षेत्र में उसको गेमिंग का चैनल बनाना यूट्यूब पे, मगर वो स्ट्रीमिंग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं लगा सकता। तो यानी कि अगर 5G आएगा तो स्पीड अच्छी मिलेगी, मतलब कुछ MBPS में मिलेगी तो लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएगा। यानी कि देखा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे अगर 5G आने के बाद, क्योंकि 5G आएगा तभी हम लोग स्पीड जान पाएंगे कि स्पीड कितनी है। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग स्पीड के बारे में भी जानेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब रिलायंस जियो फोन भी बनाएगा, कहने का मतलब है अब कहीं भी हो स्मार्टफोन बनेंगे। स्मार्टफोन अब कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी स्मार्टफोन खरीदने पर सस्ते स्मार्टफोन बनेंगे जो सब लोग खरीद सकें, तो अच्छे से चलेंगे। और अगर आप लोग जानते होंगे तो जियो ने सबसे पहले ही फोन लॉन्च किया था कीपैड वाला, जिसमें 4G नेट चलता था, कहने का मतलब है उसमें नेट भी चला देते, सब कुछ चला, यूट्यूब भी चला देते थे और फेसबुक भी चला देते थे, सब कुछ चला देते थे। यानी कि जियो ने 500 रुपये का 1500 रुपये का फिर उसके बाद फोन लॉन्च किया था। यानी कि देखा जाए तो रिलायंस जियो ने ही लॉन्च किया था, उसके बाद फिर एक फोन और लॉन्च किया था, थोड़ा कीपैड बड़ा था वो भी लॉन्च किया था, मगर अभी स्मार्टफोन की तरफ रिलायंस जियो बढ़ रही है, जिससे जितने भी सब लोग हैं सबके पास हिसाब से देखा जाए सबके पास स्मार्टफोन होगा, वो भी सस्ते दाम में। तो यानी कि देखा जाए तो आप सस्ते दाम में स्मार्टफोन का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे भारत में बनेगा और भारत में बनेगा तो आपको मेड इन इंडिया फोन मिलेगा। यानी कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि हाँ किसी दूसरी कंट्री का फोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके मन में एक आ जाता है ना कि मेड इन चाइना, तो आप मेड इन इंडिया फोन यूज़ करिए, क्योंकि रिलायंस जियो अब फोन भी मैनुफैक्चर करेगा। तो इसमें फोन मैनुफैक्चर में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस जियो को कैपिटल के रूप में कहने का मतलब है उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे गूगल ने 33,000+ करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया, और जो फेसबुक के फाउंडर हैं उन्होंने भी 44 करोड़ रुपये हज़ार करोड़ रुपये फेसबुक के फाउंडर ने भी इन्वेस्ट किया है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए और छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर देखा जाए तो बहुत एक हिसाब से देखा बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी है रिलायंस जियो, यानी कि अपने देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, जिसके पास $150 बिलियन कैपिटलाइजेशन जिसके पास हो, सबसे फर्स्ट कंपनी है रिलायंस जियो। तो एक बात से देखा जाए तो यानी कि अब वो अपने सपनों की उड़ान में उड़ चुकी है रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो एक अच्छी चीज ये भी उन्होंने लॉन्च किया कि 5G भी लॉन्च होगा, सबके गेमिंग चैनल भी चलेंगे, और गेमिंग चैनल में लाइव स्ट्रीमिंग भी अच्छी खासी होगी, यूट्यूब पे जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना होता तो नेट अच्छा होना चाहिए, जब तक नेट होगा तब तक लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं होती। और साथ में अब ऑनलाइन क्लासेस जो लाइव स्ट्रीमिंग होती वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगी, जैसे कोई गाँव रहता वहाँ पे ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं होती, तो अब 5G का नेटवर्क अच्छा हुआ तो एक बार से देखा जाए वो भी अगर कोई टैलेंट गाँव में बहुत टैलेंट लोग रहते हैं मगर वो अपनी लाइव क्लास नहीं स्टार्ट करते, यानी कि यहाँ पे लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास भी स्टार्ट की जाती है। अगर वाकई में हमारे ब्लॉग में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और बस हमारा बस यही फंडा है कि आप लोगों को बस थोड़ा बहुत एंटरटेन कराएं और थोड़ी बहुत न्यूज़ दें। अभी घर से बाहर निकल नहीं पा रहे तो कहाँ से ब्लॉग कहाँ कहाँ शूट करें, तो यानी कि जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपको लखनऊ की सैर कराएंगे, क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ की सैर कराएंगे, लखनऊ में कौन कौन सी जगह अच्छी अच्छी हैं वहीं की सैर कराएंगे। चलिए अच्छा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, अच्छी अच्छी से अच्छी आपको वीडियो मिलती रहेंगी।